अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका विकास, आपन मैं चैनल पर स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आपके आपके इंटरमीडिएट के रिजल्ट आ चुके हैं तो जो भी लोग अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, जो भी आपके कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए अगर आप यूपी में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, तो कानपुर में जो भी बेस्ट कॉलेज हैं उनमें आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं आज से। तो आप जाके पता करें, और जहाँ पे स्टार्ट नहीं हुए हैं तो वहाँ पे जल्दी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको मैं पहले ही बना दे रहा हूँ, आपको गाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना है, क्या प्रक्रिया होती है वहाँ पे एडमिशन की, कौन कौन से कोर्स होते हैं, कितनी सीटें होती हैं, क्या फीस लगती है एडमिशन की, और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आपको करने होते हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, कि आपको वहाँ पे एग्जाम पेपर देने होते हैं या कोई मॉक टेस्ट देना होता है, तो किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, क्लासेस चलती हैं कि नहीं चलती हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बनाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कानपुर में जो भी जितने भी डिग्री कॉलेज हैं आपको एडमिशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास कॉलेज आया हुआ है जिसमें अभी आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, जो कि डीएवी कॉलेज सिविल लाइंस कानपुर में आपका स्थित है, अगर वहाँ पे एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, जो कि कोर्स संचालित आपके हो रहे हैं डीएवी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो डीएवी कॉलेज सिविल लाइंस कानपुर सीट है 2019 की, आपका एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, आप जाके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप कोर्स की बात करें तो यहाँ पे बीए है जिसमें कि 1040 सीटें हैं आपकी, उसके बाद बीएससी, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे ये सारे कोर्सेज नहीं होते, वहाँ पे एडवांस कोर्स, अच्छे कोर्स होते हैं, बाकी जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे ये कोर्सेज को डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि अगर सारे कोर्स अगर यूनिवर्सिटी में होने लगेंगे तो फिर ये कॉलेज आपके बंद हो जाएंगे, इसीलिए ये सारे कोर्स आपको इन सब छोटे कॉलेजों में मिलते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में आपके कुछ एडवांस कोर्स जो होते हैं वो जैसे बीटेक वगैरह इन कॉलेज में आपको नहीं मिलते हैं, तो वो वहाँ पे बीटेक एमबीए वगैरह आपको सारे मिलते हैं। तो बीए में 1040 सीटें हैं, बीएससी बायो में आपकी 1040 है, बीएससी मैथ में 1040 है, बीकॉम में 1040 सीटें आपकी हैं, डीएवी कॉलेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये आपके बेस्ट कॉलेज है, मैं उन्हीं की लिस्ट बता रहा हूँ, बाकी अभी आपको सारे कॉलेज दिखा दूँ, करीब मेरे पास 70 कॉलेज अवेलेबल हैं आपके आसपास, ना देखिए जो भी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो शुरू के टॉप 10 में आप एडमिशन लें, जो जो टॉप 10 में नाम दिए गए वो आपके लिए बेस्ट होंगे हमेशा। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में आप ले सकते हैं, और इसमें 240 सीटें हैं, और बीए सेल्फ फाइनेंस इसमें भी 240 सीटें हैं। और सेल्फ फाइनेंस में अंतर क्या होता है, कोर्स आपके वही संचालित है लेकिन सेल्फ फाइनेंस में जो ये जो कॉलेज वाले हैं ये अपने अपने फीस पे करवाते हैं, यानी कि आपसे फीस जो होगी उसमें अंतर होगा, ये आपके यूनिवर्सिटी की फीस होती है, और ये जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स होते हैं ये आपके, इनकी फीस ज़्यादा होगी, इनकी फीस मान लीजिए 1500 है एक साल की, तो इनकी फीस 3000 से 4000 आपकी हो सकती है, क्योंकि ये आपके कॉलेज वाले अपने सेल्फ से करवाते हैं, सेल्फ फाइनेंस अपने कोर्स से करवाते हैं, तो ये इसमें अंतर होता है, तो इसमें आपकी सीटें भी आपकी कम होती हैं। उसके बाद बात करते हैं जो हमारे पास कॉलेज है डीबीएस, जो कि आपका गोविंद नगर कानपुर में स्थित है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे आपको कम जाना भी पड़ेगा। और डीएवी की बात करें तो वहाँ पे आपको क्लासेस रेगुलर लगती हैं, यहाँ पे भी क्लासेस लगती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ना भी जाएँ तो भी आपका काम चल जाता है। आप इसके साथ कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन लेके अपनी कोचिंग वगैरह कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज जाने के ना इच्छुक हैं तो। यहाँ पे जो कोर्स है संचालित, यहाँ पे लगभग आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि डीएवी मैंने आपको इतने कोर्स बताए जो कि बेसिक के हैं, अभी आपको एडवांस कोर्स बताते हैं जो आपको यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि एमए है प्राचीन भारतीय इतिहास से है, 70 सीटें हैं, ड्राइंग इन पेंटिंग है 140, एमए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और एमए एजुकेशन 280 सीटें हैं, एमए इंग्लिश 140 सीटें हैं, एमए भूगोल में 190 हैं, एमए हिंदी में 140 है, एमए इतिहास 70, एमए मैथमेटिक्स 70 है, एमए मिलिट्री स्टडीज में, और एमए दर्शन शास्त्र है, एमए राजनीति शास्त्र है, एमए मनोविज्ञान 140, और एमए सांख्यिकी है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी भूगोल से है, एमएससी मैथमेटिक, एमएससी मिलिट्री स्टडीज और एमएससी फिजिक्स, एमएससी सांख्यिकी और एमएससी जंतु विज्ञान की 107 सीटें
यहाँ पे अलग से उपलब्ध हैं। तो ये सारे कोर्स आपके डीबी के मैंने बता दिए। और एडमिशन यहाँ पे किस प्रकार से होते हैं इन कॉलेजों में, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी कि मान लीजिए 1040 सीटें हैं तो 1040 स्टूडेंट पहले अगर आ गए, जो पहले आता गया उसको एडमिशन वहाँ पे मिलता गया। सिर्फ आपको जाना है, फॉर्म भरना है, फोटो लगानी है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, टीसी लगानी, और आपका फॉर्म सबमिट हो गया। 100-200 रुपये आपके फॉर्म की फीस होगी, बाकी जो 1 साल की पूरी फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ती है ड्राफ्ट के माध्यम से। यहाँ पे कैश आपको नहीं लगते हैं, आपका सब ड्राफ्ट के माध्यम से ही आपका होता है। ऑनलाइन आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद वो नंबर उसको फॉर्म में अप्लाई करके और आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं। कोई एग्जाम पेपर नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं, कोई पेपर नहीं, सिर्फ आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन यहाँ पे होते हैं लगभग सभी कॉलेजों में, यहाँ पे जितने भी आपके टॉप के कॉलेज है। तो यहाँ पे आप डीबीएस से कॉलेज दे सकते हैं, ये कोर्स आपके सामने है, इसको पॉज कर लें और देख लें। यहाँ पे 140 ये इनकी सीटें लिखी हुई हैं, जो जो कोर्स है यहाँ पे, तो मैंने सारे आपको कोर्स दिखा दिए हैं। यहाँ पे बीएड, बीकॉम, बीएससी, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, यहाँ पे सारे कोर्स लगभग आपको मिल जाएंगे, और अंडर ग्रेजुएट ये सारे आपके कोर्स हैं। और ये जो कोर्स हैं आपके, ये आपके डीजी कॉलेज के हैं, डीजी गर्ल्स कॉलेज जो है वहाँ के कोर्स हैं, तो अंडर ग्रेजुएट और यहाँ पे लाइब्रेरी के, तो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी एडमिशन लेने से पहले जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और उसकी वेबसाइट को सर्च करें। जैसे कि एक कॉलेज आपका ये है अरनापुर पीजी कॉलेज, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट ओपन कर लें और यहाँ पे यूजीसी यानी कि कोर्स में जाएं, जो आपको कोर्स ऑफर करे जाते हैं, पहले कोर्स में जाके आप देख लें फैसिलिटी क्या है, कौन से कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, और इसी प्रकार से ये कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अंडर ग्रेजुएट। जैसे कि डीबीएस कॉलेज के मैंने खोला, तो यहाँ पे बीए, बीकॉम सारे यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पहले आप कोर्स जाकर देख लें, उसी प्रकार से बीएसएचडी कॉलेज है, यहाँ पे एडमिशन लेना, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स पर आपने क्लिक किया, तो पहले कोर्स देख लें कौन से कोर्स संचालित हो रहा है, कितनी सीटें हैं यहाँ पे, क्या क्या प्रक्रिया है। तो वेबसाइट है, पहले आप जाएं, पहला प्राथमिकता आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर देखिए उनके क्या क्या लिखा है, क्या जानकारी, कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं, वहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह सबके ही लिंक आपको मिल जाते हैं। तो अब आपको लिस्ट दिखा देता है जो मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है, तो ये पूरी कानपुर के जितने भी कोर्स हैं यहाँ पे, करीब मेरे पास कोर्स की लिस्ट है, करीब 79 कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, 79 कॉलेज पूरे ऑल ओवर कानपुर में। तो बेस्ट नंबर पे आप देख सकते हैं, पहला राम सैनी गवर्नमेंट कॉलेज शिवराजपुर कानपुर में है आपका, उसके बाद सेकंड है डीएवी क्राइस्ट चर्च है आपका, वीएसजीटी कॉलेज है जिसमें कि आर्ट साइंस कॉमर्स यहाँ पे आपका लिखा भी गया है, डीबीएस पीपीएन कॉलेज सबसे बेस्ट है आपका कानपुर के लिए, अली मुस्लिम है, दयानंद कॉलेज लॉ कानपुर, और हरीसराय पीजी, प्रोफेसर एच एन मिश्रा, ब्रह्मानंद कानपुर। तो ये जो आपके हैं टॉप 15 या टॉप 20 में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके कॉलेज दिए गए, तो टॉप 20 के आप अंदर एडमिशन ले लें। बाकी जो है नन एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस आपके कॉलेज हैं, ये आपके सेल्फ फाइनेंस, और तो इसको मैं चला दे रहा हूँ एक बार, आप इसको वीडियो को पॉज कर लें और जो भी कॉलेज के नाम आपको देखना चाहते हैं यहाँ पे देख के एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने लिखा रहेगा इसमें साइंस है, बीसीए, आर्ट है, जो भी आपको लेना है। तो लगभग यहाँ पे सभी कॉलेज की लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, करीब 70 कॉलेज, तो इसका लिंक मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो एडमिशन किस प्रकार से यहाँ पे होता है मैंने आपको बता दिया, कि यहाँ पे आपको जाना है, फॉर्म लेना है, फॉर्म को फिलअप करना है, अपने हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, टीसी लगानी है और फोटो चिपकानी है, और जाके जो भी फॉर्म का फीस हो, 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये जो भी फीस लगे फॉर्म की, वो जमा करनी है, और 1 साल की फीस आपको पे करनी है, जो भी जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है वहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। बेस्ट कॉलेज और टॉप 20 जो इसमें लिस्ट दी गई है, टॉप 20 में आप कोई भी आपके नज़दीकी जो हो या पे आपको जो कोर्स के अनुसार हो उसमें जाके एडमिशन आप ले सकते हैं, बेस्ट आपके लिए ये कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो लगभग आपकी फीस की मांग के चलें, तो जैसे कि मान लीजिए ये है, तो लगभग आपकी फीस 1 साल की 2200 से 2500 आप मान सकते हैं आपकी होगी जहाँ तक, या 3 ईयर के अंदर आपकी फीस होगी। तो इसी प्रकार से होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें डीबीएस में, तो आपकी फीस है सेल्फ फाइनेंस की है तो करीब करीब 8200 1 साल की, या 8500, इस प्रकार से आपको फीस है लगती है। तो और कोई जानकारी चाहिए इस संदर्भ में, बाकी एनसीसी ट्रेनिंग वगैरह कोर्स अगर आप करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे संचालित की जाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एडमिशन लेना है, यहाँ पे आपको सिर्फ जाना है कोई, और बाकी यहाँ पे जो भी एडमिट कार्ड होंगे, जो भी इनके पेपर होंगे, वो सारे आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकलेंगे, बाकी ऑफलाइन ही मिलते हैं, इनके ऑफिस में आप जाएंगे वहाँ से आपको मार्कशीट मिलेगी, वहीं से आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको इन्हीं से कॉलेज से आपको संपर्क करना है, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपके यूनिवर्सिटी से अटैच होगा, सारे पेपर आपका यूनिवर्सिटी कराएगी, लेकिन जो भी आपकी प्रक्रिया होगी एडमिट कार्ड, टीसी और जो भी होगा, वो सारा काम आपका इन्हीं कॉलेज में आपको जाकर लेना होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा होगा किस प्रकार से एडमिशन लेना है, क्या जानकारी मैंने आपको दे दी है। और एडमिशन लेने से पहले एक बार जांच लें कि आप एडमिशन कहाँ ले रहे हैं, कि वहाँ पर क्लासेस चलती हैं कि नहीं, उस उसके भी यहाँ पे जाकर एडमिशन आप लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।